आप सब लोगों ने स्प्रिंटर तो देखे ही होंगे जो कि 100 मीटर 200 मीटर की ट्रेनिंग करते हैं, और आपने उनकी ये चीज भी नोटिस की होगी कि उनकी बॉडी बहुत जबरदस्त और फुर्तीली होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्प्रिंटर के मसल्स इतने बड़े और जबरदस्त क्यों होते हैं? वो जिम नहीं करते फिर भी उनके शोल्डर, चेस्ट और बैक मसल्स बहुत जबरदस्त होते हैं। इसके पीछे का रीजन है उनकी लेग और काल्फ मसल्स का वर्कआउट। जैसा कि आप जानते हो ना कि स्प्रिंटर अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए हर रोज डेली अपनी पूरी टांगों का अलग अलग जबरदस्त वर्कआउट करते हैं, और फिर इससे होता यह है कि धीरे धीरे उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पीक पर चला जाता है। टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने के बाद अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर की बॉडी का वर्कआउट करते हैं तो बाकी के मसल्स उनके अपने आप और तेजी से ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अब आप खुद हिसाब लगाओ कि टांगों का वर्कआउट कितना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कार्प मसल्स का वर्कआउट। बहुत बार हम देखते हैं कुछ लोगों की कार्प बिल्कुल पतली और साफ दिखाई देती है, इसकी वजह से उनकी स्पीड भी कम होती है। जो एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उन एक्सरसाइज को हफ्ते में 4 दिन भी करते हो तो आपकी कार्प मसल्स धीरे धीरे 2 महीने के अंदर उभरनी शुरू हो जाएगी। रोप जंप, इसको इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ये एक्सरसाइज आपकी काल्फ मसल्स को धीरे धीरे शेप में लेकर आती है, और इसके और भी फायदे हैं। अगर बात करें तो ये आपके शरीर को ऊर्जावान बनाती है, आपके फेफड़ों को मजबूत करती है। ये एक्सरसाइज आपको सबसे पहले करनी है ताकि अच्छे से वार्म अप हो जाए। इसके आप 3 सेट लगाओ, रेपिटेशन कितनी लगानी है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज काल्फ रेसिस एक्सरसाइज, देखो इसके 2 तरीके हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहला तरीका ये, धीरे धीरे सबसे पहले जितनी आराम से कर सकते हो वैसे किसी ऊंची सी जगह पर जाएं, धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर लेकर जाना है, बिल्कुल नीचे लेकर आना है, पूरा स्ट्रेच होना चाहिए आपका मसल्स, ठीक है। इसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है स्पीड में, एक्सरसाइज यही करनी है, बस स्पीड बढ़ा देनी है। देखो ऐसे आपको स्पीड बढ़ानी है धीरे धीरे, इन दोनों एक्सरसाइज के आप 3-3 सेट लगाओ। तीसरी एक्सरसाइज में आपको सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको सीढ़ियों पर दौड़ना है ऐसे, आपके आसपास कहीं भी सीढ़ियाँ होगी, देखो आपको इसमें टाइमिंग की जरूरत पड़ेगी, आप स्टॉपवॉच चलाएं, ये एक्सरसाइज करो, टाइमिंग के हिसाब से ये एक्सरसाइज करनी है। ये जो 3 एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है ये आपकी टांगों की मसल्स को ग्रो करेगी। हाँ, अगर पहली बार कर रहे हो तो भाई थोड़ा करें, क्योंकि शुरू में आपको दर्द से होकर गुजरना पड़ेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ये एक्सरसाइज आपको जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई ये आपको हर रोज नहीं करनी, आपको सिर्फ उसी दिन ही एक्सरसाइज करें जिस दिन आप लेग का वर्कआउट करते हो। जी हाँ, जिस दिन आप अपनी लेग मसल्स का वर्कआउट करते हो, एक दिन तो करते नहीं होगे, आप 2-3 दिन अगर करते हो, अगर एक दिन करते हो तो भाई एक दिन मत करो, कम से कम 2 या 3 बार हफ्ते में जरूर करो लेग का वर्कआउट, ठीक है। और जिस दिन भी लेग का वर्कआउट आप करते हो तो आप उसमें काल्फ मसल्स का जो मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बताई ये भी कर लो, इनके आप 3-3 सेट कर सकते हो, ठीक है। और सेट में कितने रेपिटेशन करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, आप कितने कर सकते हो, ठीक है, कितनी क्षमता है आपकी। बस ये बात दोबारा से बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि भाई पहले दिन अगर पहली बार कर रहे हो तो पहले दिन पूरी ताकत मत लगाना, ठीक है। आप ज़्यादा कर सकते हो लेकिन पहले दिन ताकत मत लगाना, अगले दिन नहीं कर पाओगे, बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बोर नहीं होना है, एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। और अगली जो चीज़ है भाई, किसी का भी हेल्थ फिटनेस से और न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल रखा है, तो मुझे वहाँ पे फॉलो करो और DM करो, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।